हरियाणा के फरीदाबाद में लगातार कट रही अवैध कॉलोनियों पर चला डीटीपी विभाग का पीला पंजा। बता दें कि दर्जनों कॉलोनियों समेत कई गांवों में की गई भारी तोड़फोड़। डीटीपी नरेश कुमार ने कहा कि जितनी जल्दी भू माफिया कॉलोनियों को काटेंगे उससे डबल रफ्तार में वो कॉलोनियों को तोड़ेंगे और उन भू माफियाओं के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई करेंगे। फरीदाबाद शहर की बात की जाए तो पूरे शहर में भू माफियाओं के द्वारा पिछले काफी समय से अवैध कॉलोनियां काटी जा रही है। उसी को लेकर हरियाणा सरकार ने सख्त आदेश दिए हैं कि अब अवैध कॉलोनी काटने वाले भू माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसी कड़ी में आज डीटीपी विभाग की तरफ से तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिसमें दर्जनों कॉलोनियों को डीटीपी विभाग ने धराशाही किया और वो उन्होंने साफ तौर पे उन भू माफियाओं को चेतावनी भी दी कि यदि भविष्य में दोबारा से उन्होंने अवैध प्लाटिंग की तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज हमने ये 4 से 5 कॉलोनियां थी जो 15 से 20 एकड़ के अंदर की डेवलप हो रही थी। इन कॉलोनियों में मैंने 15 डेज बैक भी डेमोलिशन की थी यहाँ पर और जो मकान बनने थे उनको बिल्कुल क्लीन कर दिया था। आज ये फिर हमने 2-3 जगह और काफ़ी मकान दिखाई दिए तो आज उनको हमने सारे ध्वस्त कर दिए हैं।